हेलो दोस्तों, आज है 22 जून 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा और आज आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा भी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले हैं जिन्हें जानकर आपको भी बहुत खुशी होगी। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं अपडेट की जानकारियां भी लेंगे। मौसम और मानसून से जुड़ी खबरें भी देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला, इसलिए वीडियो आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किए गए पितरों के लिए धूप ध्यान से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी कृपा से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज के दिन देवी देवताओं की पूजा के साथ ही नदी स्नान और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन स्नान के बाद सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाइएगा। लोटे में जल के साथ ही चावल, कुमकुम और फूल भी डाल देने चाहिए। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए आप सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा की दोपहर में पितर देवता को धूप देना चाहिए। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितर देव कहा जाता है और इन्हें धूप देने के लिए गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ घी अर्पित करें, पितरों का ध्यान करें और आज किसी गौशाला में आप हरी घास का दान भी कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को धन, कपड़े, अनाज और जूते चप्पल का भी आप दान कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन से भी भक्तों को धन वैभव की प्राप्ति होती है। आप कुछ कार्य करके कुंडली में स्थित चंद्र दोष को भी दूर कर सकते हैं। चंद्र दोष अगर कुंडली में है तो आपको करियर के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस सेहत पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं और ऐसे लोग बेवजह भावुक भी हो सकते हैं और अक्सर तनाव की स्थिति इनके जीवन में बनी रहती है। चंद्र दोष होने की वजह से सेहत बार बार खराब हो सकती है, तो ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है उन्हें दिल, फेफड़े से जुड़े रोग भी हो सकते हैं और इसके साथ ही मिर्गी और अवसाद भी ऐसे लोगों में देखने को मिल सकता है। चंद्र दोष की वजह से पारिवारिक जीवन में कलेश और आर्थिक हानि के दुर्योग भी बनते हैं, लेकिन अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो आपको ये परेशानियां परेशान नहीं करेगी। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और उसके बाद सफेद चीजों का दान करना चाहिए। भगवान शिव चंद्रमा के आराध्य हैं, इसलिए पूर्णिमा के दिन शिव पूजन और चंद्रमा से जुड़ी सफेद चीजों को दान करने से चंद्र दोष दूर होता है। पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा के दर्शन करते हुए चंद्र ग्रह के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का भी 108 बार जप कर सकते हैं। आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के लिए आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप एक चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा कर भी पहन सकते हैं। आज के दिन अगर आप किसी जरूरतमंद को कच्चा दूध और चावल दान करते हैं तो इससे भी चंद्र दोष से आपको मुक्ति मिलती है। सफेद वस्त्रों का भी आप दान कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें जगन्नाथपुरी में देव स्नान पूर्णिमा आज सोने के कुएं के पवित्र जल निकाला जाएगा और इससे स्नान के बाद 15 दिन बुखार में रहेंगे महाप्रभु। उड़ीसा स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर में 22 जून को होने जा रहे अनोखे उत्सव देव स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी हो गई। कहते हैं कि इसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ जन्मे थे और ऐसा प्रचलन में है कि देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है, इसलिए वो अगले 15 दिन किसी को दर्शन नहीं देते हैं। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। मौसम और मानसून से जुड़ा अपडेट सबसे पहले जान लेते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून 10 दिन रुके रहने के बाद शुक्रवार 21 जून को मध्य प्रदेश पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मानसून डिंडोरी के रास्ते आया। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र, विदर्भ के हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। 5 जुलाई तक इन 11 राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा। 20 जून से 5 जुलाई के मध्य मानसून पहुंचने वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दिल्ली में भी शुक्रवार को झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। शिमला में भी शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं खबर है कि 22 से 24 तारीख तक 10 राज्यों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के भी 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राज्य में जून महीने के अंत तक मानसून के प्रवेश करने का पूर्वानुमान है। फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। हल्की फुल्की बरसात, बादल वगैरह देखने को मिलते रहेंगे, है ना। और पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजस्थान में भी अब बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने मौसम के मिजाज में ठंडक ला दी है। शुक्रवार को राजस्थान के कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी हुई। दक्षिण और पश्चिमी मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजस्थान में भी बारिश का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि मानसून का अब तक राजस्थान में प्रवेश नहीं हो सका, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत देने का काम शुरू कर दिया है ना। और उत्तराखंड में भी 24 जून के बाद बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंकाएं हैं। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में
24 से 30 जून तक कई इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके चलते खास तौर पर चार धाम यात्रा पर निकले तीर्थ यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। और योग दिवस से जुड़े अपडेट भी आए हैं। पीएम मोदी ने डल झील के किनारे योग किया, लोगों के साथ सेल्फी भी ली। सेना के जवानों ने INS विक्रमादित्य और चीन बॉर्डर पर योगासन किए हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है और इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। पतंजलि योग पीठ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। स्वामी रामदेव बोले, योग में दुनिया की हर चुनौती का समाधान है। दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। जापान में लोगों ने छाता लगाकर योग किया। ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी स्टूडेंट्स ने आसन किए हैं। और अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरकार का ऐतिहासिक फैसला, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा कर दी है। यानी अब हमारे देश भारत में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। ये कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था और कानून के लागू होने के बाद अब 10 साल तक की जेल से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें रहेगा। बड़ी खबर है, दिल्ली, नोएडा सहित कई शहरों में CNG के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली और आसपास के शहरों में 22 जून सुबह 6 बजे से CNG के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। दिल्ली में 1 किलो CNG की नई कीमत 75.09 रुपए हो जाएगी। दिल्ली और आसपास के शहरों में CNG की रेट में बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और रेवाड़ी में CNG के दाम 1 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश है कि 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट को अपडेट कर लें। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी किया है। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों की संख्या 47 हो गई है और इनमें से 24 तो एक ही गांव के हैं। 30 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। हज यात्रा के दौरान मक्का में अब तक कितने भारतीयों की जान चली गई, विदेश मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है। बताया गया कि भारत से हज के लिए इस बार करीब 1,75,000 लोग मक्का गए हैं। भीषण गर्मी और अन्य वजहों के चलते सऊदी अरब के मक्का में कई भारतीय यात्रियों की भी जान चली गई है। विदेश मंत्रालय ने अब इन मौतों का वास्तविक आंकड़ा जारी कर दिया है और कहा कि इनमें से 98 नागरिकों की मौत विभिन्न वजहों से हो चुकी है। ये मौतें प्राकृतिक बीमारी, प्राकृतिक कारणों, पुरानी बीमारी और बुढ़ापे के कारण हुई है। और देश में टमाटर ने लगा दिया शतक। 17 राज्यों में कीमतें 50 रुपए के ऊपर हो गई है। देश में टमाटर की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं कुछ राज्य तो ऐसे भी है जहां पर टमाटर 70 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा पर बिक रहा है। गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के बड़ोदरा में चलती स्कूल वैन से 2 लड़कियों के गिरने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। ये घटना 2-3 दिन पुरानी है जिसका CCTV फुटेज आया। पुलिस ने आरोपी वैन चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। अचानक से वैन का पिछला दरवाजा खुल गया और ये बच्चियां रोड पर गिर गई। वो तो ठीक है कि इनके ज्यादा लगी नहीं, गंभीर चोट नहीं आई, वरना इन बच्चियों के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो पेरेंट्स अब देख सकते हैं कि किस तरह से आपके बच्चों की सुरक्षा हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड देंगे ट्रंप। कहा कि अमेरिकी कॉलेज से डिग्री लेने वालों को सुविधा मिलेगी। 2 लाख भारतीय अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले विदेशी छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का वायदा किया है। ट्रंप ने कहा कि इस कदम से भारत और चीन जैसे देशों के प्रतिभाशाली छात्र अमेरिका में रह पाएंगे। CSIR, UGC, NET की परीक्षा स्थगित हो गई है। 25 से 27 जून के बीच ये परीक्षा आयोजित होनी थी। NTA ने संसाधनों की कमी को वजह बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि वे इस मुद्दे को निजी तौर पर संसद में उठाएंगे। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा है, अगर सरकार छात्रों की रक्षा नहीं करेगी तो विपक्ष ये काम करेगा। और UGC ने डिफॉल्टर यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश की 16 सहित देश भर की कुल 157 यूनिवर्सिटियां डिफॉल्टर घोषित हो गई हैं। 108 सरकारी यूनिवर्सिटीज, 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। UGC ने ये कार्रवाई यूनिवर्सिटियों में लोकपाल नियुक्त नहीं किए जाने के कारण की है। केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। 2 दिन बाद सुनवाई होगी। ED का विरोध, केजरीवाल के वकील ने कहा वे कोई आतंकवादी नहीं। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं, सोमवार या मंगलवार को हम फैसला सुनाएंगे, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यानी CM केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। आम आदमी पार्टी के नए ऑफिस का पता नहीं, पुराना छोड़ना होगा। बदरपुर में मिल रहा नया दफ्तर, लेकिन आम आदमी पार्टी को लुटियन दिल्ली पसंद है। वहीं दिल्ली जल संकट पर भी अपडेट चल रहे हैं। आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर राजघाट में श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन। आरोप है कि हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने 21 जून से भूख हड़ताल कर लिया। हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने भी कहा कि हम इस भीषण गर्मी में पशु
पक्षियों के लिए भी छतों पर पानी रख देते हैं। इंसानों के लिए प्याऊ चलाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, देश के जलाशयों में सिर्फ 21% पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग की अभी हालिया रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो सभी की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 150 मुख्य जलाशयों में पानी घटकर महज 21% रह गया है। बड़ी खबर है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत पहुंच गई है। 15 दिन के अंदर दूसरी यात्रा, तीस्ता जल बंटवारे पर बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर है, सड़क पर गाड़ियों के साथ स्टंट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक सबक के रूप में केरल के मोटर वाहन विभाग ने एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। हाल ही में उनका एक वीडियो स्टंट के बाद वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने टाटा सफारी एसयूवी के अंदर एक अस्थायी स्विमिंग पूल बनाया था। इस इन्फ्लुएंसर का नाम संजू टेकी बताया जा रहा है, जिन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें वे अपने दोस्तों के साथ चलती हुई गाड़ी के अंदर एक बच्चे के साथ पानी का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलहाल केरल के मोटर वाहन विभाग ने पहले सफारी एसयूवी के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया। अब विभाग ने सड़क पर स्टंट करने के लिए इस इन्फ्लुएंसर का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया। इरडा का नया फरमान, अब ग्राहकों को निवेश का लालच देकर कंपनियां नहीं बेच पाएंगी इंश्योरेंस। इरडा ने कहा कि यूनिट लिंक्ड या इंडेक्स लिंक्ड बीमा प्रोडक्ट को निवेश के रूप में विज्ञापित नहीं किया जाएगा। बीमा कंपनियों को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि बाजार से जुड़ी बीमा योजनाएं पारंपरिक बंदोबस्ती पॉलिसियों से भिन्न है और उनमें जोखिम भी होता है, उसमें समझदारी के साथ निवेश करें। यानी नए आदेश में यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं यूलिप को निवेश प्रोडक्ट के रूप में प्रचारित करने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में फिर तूल पकड़ रहा आरक्षण का मुद्दा, 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं 2 ओबीसी नेता। महाराष्ट्र में भी एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया। मराठा आरक्षण ओबीसी कोटे से ना दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे जालना के वडी गोदरी गांव में पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार ने तुअर और चना दाल के लिए भंडार सीमा तय कर दी है। जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। सरकार ने शुक्रवार को जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस साल सितंबर तक तुअर और चना दालों पर भंडार सीमा लगा दी है, लिमिट तय हो गई है। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, 9% डीए बढ़ा, जून का नकद भुगतान। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से बड़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अब इन कर्मचारियों को 239% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जून से बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ते का लाभ नकद दिया जाएगा। अब तक इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर 230% थी, जिसमें 9% की वृद्धि हो गई है। आपको बता दें, 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनवरी से बड़े दर से डीए दिए जाने का जो आदेश है वो मार्च महीने में ही जारी हो गया था। वहीं अपडेट खबर देख पा रहे हैं, 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स, आईटी कंपनी विप्रो बाहर हो जाएगी। अडानी पोर्ट 6 महीने में 45% चढ़ा, विप्रो केवल 13%। वहीं ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 65 अंक गिरा निफ्टी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आप देख रहे हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 21 जून को निफ्टी ने 23,667 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद ये नीचे आया और 65 अंक की गिरावट के साथ 23,501 के स्तर पर बंद हो गया। वहीं सेंसेक्स में 269 अंक की गिरावट रही और ये 77,209 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली है। सरकारी बैंक के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और राजस्थान से बड़ी खबर, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान में हर महीने निकलेगी वैकेंसी, सीएम भजन लाल ने कहा। कॉलेज लेक्चरर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की भी तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में अब हर महीने वैकेंसी निकाली जाएगी, यह ऐलान सीएम भजन लाल शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर होगा उसके पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी, ताकि बैकलॉग जैसी समस्याओं से युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना बंद करके नई स्कीम लाने की तैयारी। 25 नहीं 5 लाख रुपए तक मिल सकता हेल्थ कवर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अलग से प्रावधान होगा। चर्चा है कि इस स्कीम में केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम की तर्ज पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि अधिकांश बीमारियों का इलाज 4 से 5 लाख रुपए तक में हो सकता है। वहीं जयपुर के 7 बड़े सुपरमार्केट में मिला नकली घी, दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। डीमार्ट समेत कई स्टोर पर बिक्री हो रही थी। सरस प्रो वैदिक ब्रांड का 2700 लीटर स्टॉक जब्त हो गया। जयपुर शहर में डीमार्ट में नकली घी बेचा जा रहा है। लगातार दूसरे दिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने अलग अलग सुपरमार्केट में कार्रवाई की। शहर के 6 डीमार्ट पर 2700 लीटर से ज्यादा नकली घी मिला है। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि डीमार्ट के खिलाफ डिपार्टमेंट और सरस दोनों की ओर से मामला दर्ज करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के प्रो वैदिक ब्रांड का घी भी सरकारी लैब की जांच में प्रथम दृष्टया नकली और घटिया पाया गया है। नकली घी की सप्लाई को देखते हुए जयपुर में प्रो वैदिक घी और सरस घी बेचने पर संबंधित सुपरमार्केट पर रोक लगा दी गई है। नकली घी इस्तेमाल करने से 7 तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है। हार्ट की बीमारी, हाई बीपी, लीवर खराब हो सकता है, गर्भपात का भी खतरा, दिमाग में सूजन हो सकती है, पेट खराब
खराब, अपच और एसिडिटी बन सकती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप भी सचेत रहें, सावधान रहें, शुद्ध और स्वच्छ खाएं, है ना। और छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेगी शराब की दुकानें। 22 जून को कबीर जयंती के मौके पर ड्राई डे घोषित किया गया है। होटल क्लब में भी परोसने की मंजूरी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार, एआई से मदद ली जाएगी। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है, 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर, स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे सेंटर। पेपर लीक को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन बनाई है, योगी कैबिनेट जल्द इस पर मोहर लगा सकती है। पेट्रोल डीजल से जुड़ी बड़ी खबर, इस राज्य में आज यानी शनिवार से ही पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। गोवा में शनिवार से पेट्रोल 1 रुपए और डीजल 36 पैसे महंगा हो जाएगा। इससे पहले कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। और आने वाले समय में लंबे होंगे दिन, क्या पृथ्वी के कोर से बिगड़ेंगे हालात। दुनिया का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो आम दिनों की लंबाई को बढ़ा सकता है। रिसर्च ने पृथ्वी की अंदरूनी कोर में होने वाले बदलाव और भूकंप के डेटा का एनालिसिस करके बड़े राज से पर्दा उठाया। हमारी पृथ्वी का जो दिल है यानी कोर है, वो पिछले 14 सालों से असामान्य तौर पर धीमी स्पीड से घूम रहा है। नए रिसर्च से इस बात की पुष्टि होती है, अगर ये रहस्यमय सिलसिला जारी रहा तो मुमकिन है कि इससे पृथ्वी के दिन लंबे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मन मुताबिक लड़का या लड़की पैदा कर सकेंगे माँ बाप, वैज्ञानिकों ने तरकीब निकाली है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर लिंग परिवर्तन का ये प्रयोग किया और इसके जरिए उन्होंने किसी मेल को फीमेल में बदलने की तरकीब निकाल ली है। उनका मानना है कि इसके जरिए माँ बाप मन मुताबिक लड़का या लड़की पैदा कर सकेंगे, जो कि दुनिया के किसी भी इलाके में लिंग अनुपात को सुधारने में काम आ सकती है। तमिलनाडु राज्य से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र अब तिलक लगाकर और हाथ में कलावा वगैरह पहनकर स्कूल नहीं जा सकेंगे और न ही कोई अपने नाम के साथ अपनी जाति जोड़ सकेंगे। तमिलनाडु सरकार जल्द ही ऐसा एक नियम राज्य के सभी स्कूलों पर लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि राज्य के स्कूलों में जाति विवाद बढ़ रहे थे। इसकी तैयारी भी सरकार की तरफ से करीबन पूरी की जा चुकी है, अब बस इसे नियम का रूप देना है। आपको बता दें, एक साल पहले जाति विवाद को लेकर गठित समिति ने 610 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है। सरकार ने एक समिति बनाई थी और इस पर समाधान करने को कहा था। समिति ने रिपोर्ट में कई बड़े सुझाव दिए हैं, जाति भेदभाव को दूर करने के लिए इस तरह के सुझाव दिए गए हैं। अब देखते हैं नियम बनते हैं या नहीं, वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों को अब सप्ताह में एक दिन मिलेगी स्कूल बैग से मुक्ति, जल्द ही स्कूल बैग पॉलिसी भी लागू हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 इस नए शिक्षा सत्र से लागू कर दी गई है। पॉलिसी के अनुसार स्कूल द्वारा सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को बिना बैग ही स्कूल बुलवाना है और इस संबंध में CBSE स्कूलों के संगठन सहोदय समूह द्वारा जल्दी बैठक की जाएगी, जिसमें बैगलेस डे को लेकर भी चर्चा होने वाली है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में लागू होने जा रहे नियम, अब कसा जाएगा शिकंजा, फीस स्ट्रक्चर में होगा बदलाव। स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण गठित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। अब इसकी नियमावली तैयार किए जा रही है और जल्द ही इसे मंजूरी दिलाई जाएगी। प्राधिकरण के गठित हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, वे मनमानी फीस भी वसूल नहीं कर पाएंगे और विभिन्न मानकों को सख्त किया जाएगा। ये स्वायत्त संस्था होगी और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए योग्यता भी तय की जाएगी। बिहार में अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे रेत यानी बालू, खराब होने पर वापस भी कर सकेंगे। बिहार में अगले महीने से सरकार ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा देगी और आने वाले दिनों में ऑनलाइन की सुविधा में बालू के बाद ईंट और गिट्टी को भी शामिल कराया जाएगा। वहीं आपको बताएं, तुर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पोल का निधन हो गया, विदेश मंत्री जयशंकर ने दुख जताया। मध्य अमेरिका में अल्बर्टो तूफान का कहर जारी है, मूसलाधार बारिश से 30 लोगों की जाने चली गई। नदियों में बाढ़ और भूस्खलन भी जारी है, लगातार बारिश हो रही है। अब एग्री सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजन बताया। जम्मू कश्मीर में भी बनेगा महाराष्ट्र सदन, सिंधे सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है, जमीन भी आवंटित हुई है। सरकार ने 9,30,24,000 रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया है। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा, इस्तीफे से किया इनकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है ना। और बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली है, लगातार हम वीडियो में आपको अलर्ट भी करते रहते हैं, एक बड़ा स्कैम हुआ है। वर्क फ्रॉम होम का ऑफर देकर एक शख्स को 20 लाख रुपए का चूना लग गया। वर्क फ्रॉम होम होटल रेटिंग के नाम पर 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। अगर आपको भी इस तरह के ऑफर आते हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप इसके बारे में जान लें। ग्रेटर नोएडा से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया, ऑनलाइन ठगी के मामलों में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहें, सावधान रहें। अब झट से आपके घर सामान पहुंचाएगा फ्लिपकार्ट, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट 15 जुलाई को अपनी नई सेवा फ्लिपकार्ट मिनट से लॉन्च करने की तैयारी में है और इस सेवा के तहत कंपनी 15 मिनट में डिलीवरी करने का दावा कर रही है। इसमें आपको ताजी सब्जियां, डेयरी उत्पाद, किराने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपयोग के सामान, स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट और रोजाना जरूरत से जुड़े कई सामान शामिल होंगे। बड़ी खबर आ रही है, आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद जेडीयू ने बड़ा बयान दिया। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने शुक्रवार को कहा कि नीतीश कुमार और NDA की सरकार रहते गरीबों के आरक्षण को कोई खतरा
हथियार नहीं पहुंचने दिया जाएगा। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है, अमीन समेत 10,000 कर्मचारियों को बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र। बिहार सरकार ने तैयारी कर ली है। 10,000 कर्मचारियों में सबसे अधिक 8,035 अमीन के पद हैं। बहुत ही जल्द कर्मचारियों की बहाली होगी। अब खत्म होगी पेंशन की टेंशन। देश के युवाओं के लिए एनपीएस में होगी ये खास व्यवस्था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने युवाओं के बीच नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए न्यू बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड पेश करने की तैयारी की है। इसमें रिटायरमेंट तक व्यक्ति को एक अच्छा खासा फंड बनाने में मदद मिलेगी। पुणे पोर्स केस से जुड़ी खबर है, नाबालिग आरोपी के पिता को सेशन कोर्ट से जमानत मिली है। झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी मिल गई है, ये खबर हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताई थी। अब कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ा बयान दिया, झारखंड कैबिनेट ने जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है और इसका समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि निश्चित रूप से जाति आधारित सर्वेक्षण होनी चाहिए। युवाओं में बढ़ते किडनी कैंसर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आजकल तो क्या बच्चे क्या बूढ़े बुजुर्ग, कब किसको कौन सी बीमारी लग जाए कुछ भी पता नहीं। बढ़ते धूम्रपान की आदत, मोटापा और उच्च रक्तचाप की समस्या से युवा किडनी कैंसर का शिकार भी हो रहे हैं। मेट्रो शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण ये समस्या और ज्यादा विकराल हो गई है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 10 साल पहले तक दिल्ली के अस्पतालों में आने वाले 90% से अधिक मरीज 60 साल से ऊपर की आयु के होते थे। समय के साथ लोगों की जीवन शैली खराब हुई और अब अस्पताल में आ रहे 40% से अधिक मरीज 40 से 50 साल के हैं, जबकि 10 साल पहले यह आंकड़ा 10% से भी कम था। पुरुषों में किडनी कैंसर का खतरा अधिक है। 50 साल की उम्र के बाद नियमित जांच करवाएं। पेट या कमर में दर्द हो, पेशाब में खून आए तो सतर्क हो जाएं। धूम्रपान, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित 40 के बाद जांचें करवाएं और जिनके परिवार में इस बीमारी से कोई पीड़ित रह रहा है तो 40 के बाद भी आप जांचें करवाएं। किडनी का कैंसर यदि शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाए तो ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है, उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। 14 जुलाई को एग्जाम होगा। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के संबल स्थित गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गाँव बागौ स्थित खेड़ेश्वर मंदिर के संत धर्मदास ने एसडीएम को पत्र देकर एक चौंकाने वाली मांग की है और इस पत्र में उन्होंने कहा कि खेड़ेश्वर मंदिर की जमीन में खजाना दबा हुआ है और उसको निकलवाने के लिए अनुमति चाहिए। संत धर्मदास का कहना है कि देवी देवताओं ने उनको सपने में दर्शन दिए थे और बताया था कि इस मंदिर की जमीन के नीचे खजाना दबा है। संत का यह दावा यह भी है कि उन्होंने दिल्ली से 2 बार टीम को बुलाकर इसकी जांच भी कराई है और जांच में भी खजाना जमीन के नीचे होने की पुष्टि हुई है। यूपी पुलिस पेपर लीक की 900 पेज में कहानी, 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। अखिलेश बोले गुजरात जाकर संपत्ति जब्त की जाए। बिहार से दिल्ली हरियाणा पंजाब तक चलेंगी बसें, पीपीपी मॉडल पर ला रही नीतीश सरकार। बिहार से दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के प्रमुख शहरों के लिए बसें चलेंगी, परिवहन विभाग इसकी तैयारी में है। और खुशखबरी आ रही है नोएडा को लेकर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आम लोगों को 7,70,000 रुपए के 6,000 सस्ते प्लॉट मिलेंगे। 6,000 प्लॉट को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्लॉट के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाए गए हैं। और यूपी महाकुंभ 2025 स्मार्ट होगा प्रयागराज, 75 ढाबों और रेस्टोरेंट मालिकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। बाबा विश्वनाथ के धाम में काशीवासियों को मिलेगी अलग गेट से एंट्री। काशी कॉरिडोर बनने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और सकरे रास्तों से गुजरना नहीं पड़ता है। हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिर प्रशासन की ओर से काशीवासियों के लिए एक अलग गेट और लाइन शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है और मंदिर समिति की बैठक में जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। 5 महीने में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। और बिहार में शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित हो गई है। ये परीक्षा 26, 27 और 28 जून को आयोजित होने वाली थी। अमेरिका चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई है। ड्रैगन ने बोला ताइवान से जंग हारे तो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं पुतिन की दक्षिण कोरिया को चेतावनी, यूक्रेन को हथियार न दें और ऐसा हुआ तो हम कदम उठाएंगे। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपए। 25 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को फायदा मिलेगा। अगस्त से खाते में आएंगे पैसे। झारखंड में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चंपाई सरकार महिलाओं को बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेजेगी। सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा और राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि चंपाई सरकार 1 जुलाई से ही मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। झारखंड में जेटीटी का रास्ता साफ हो गया। आयु सीमा में मिलेगी 7 साल की छूट, सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। वहीं झारखंड से जुड़ा अपडेट है, 4% ब्याज पर 15 लाख तक का लोन देगी चंपाई सरकार। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को दिए जाने वाले ग्रेजुएशन लोन में बैंक किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लेंगे। ये लोन 15 सालों में वापस किया जा सकेगा और इसके लिए छात्रों या उनके अभिभावकों को कोई भी जमानत या गारंटी नहीं जमा करनी पड़ेगी। इस योजना का लाभ किसी भी आय वर्ग के छात्र छात्राएं उठा पाएंगे। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार बर्खास्त हो गई है। अयोग्य कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सुनीता सिजो पर कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में पटवारियों का तबादला आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने कहा दूसरे जिलों में ट्रांसफर करना
करना गलत है, प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन। चंडीगढ़ में 11वीं में दाखिले शुरू, 42 सरकारी स्कूलों में 13,875 सीटें। जियो और एयरटेल ने अप्रैल में जोड़े नए यूजर्स, वीआई और बीएसएनएल का बुरा हाल है। जियो और एयरटेल के यूजर्स में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीएसएनएल और वीआई का हालचाल बुरा है। बीएसएनएल के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में एक बार फिर से कमी हो गई है। और 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला है। 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल मोदी सरकार को भेज दिया गया है, ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सके। बजट जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा और ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर बातचीत कर सकती है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 810 रुपए बढ़कर 73,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1500 रुपए बढ़कर 94,000 रुपए पर आ गई। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय और सुझाव भी हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो में और अपडेट्स ला सकें। और आपसे एक प्यार भरा सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज शेयर और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।